क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? बिना किसी वजह के तो नहीं? जरूरी नहीं हर बात की कोई वजह, बस तुमसे बात करने आई थी। देखो नीलम, मैं यहाँ तुम्हारा हक छीनने नहीं आई हूँ, सो इसलिए प्लीज तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गलत फहमी तो थी मुझे तुम्हारे और सरमत के हवाले से, जो कि अब हकीकत बन के सामने आ चुकी है। सरमत से मेरी तफसीली बात हो चुकी है और मुझे उनकी बात समझ आ गई है। खैर, ये लो जूस पियो। मैं समझी नहीं, कौन सी बात? यही कि इस घर में मुझे तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करना होगा और तुम्हें मेरा। आह छोड़ो, अच्छा जूस पी लो। ये क्यों लाई हो, मुझे नहीं पीना। शक कर रही हो मुझ पर? सरमत तो कह रहे थे कि तुम नई दुल्हन हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुमसे दोस्ती करूं। वो ये भी बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब सरमत ने कहा है तुमसे? हाँ। खैर पी लो ये, और कुछ और चाहिए तो बता देना। नहीं नहीं रहने दो, मुझे नहीं पीना। जूस तो तुम्हें पीना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। मैंने कहा ना मुझे पीना पड़ेगा। नीलम, नीलम क्या हुआ तुम्हें? सरमत, सरमत, नीलम, नीलम तबीयत तो ठीक है ना? नीलम क्यों शोर मचा रही हो तुम? और नीलम तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? नीलम क्या हुआ? सच सच बताओ, क्या किया तुमने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, ये जबरदस्ती मुझे जूस पिलाने की कोशिश कर रही थी और पता नहीं फिर क्या हुआ। हाला बहुत चक्कर आ रहे। चलो उठो, उठो यहाँ से, चलो। तुम्हारी बहन भी मनहूस थी और तुम भी मनहूस हो। हमारे घर की सारी खुशियां छीन ली तुम लोगों ने। अब पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या किया तुमने। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? पहले तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे को फंसाया और फिर तुमने। जरा सी भी शर्म होती ना मारो तो डूब के मर जाती। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक कर दिया। चलो चलो